लूकरगंज में अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर अब नया मोड़ आ गया है। जिस जमीन को पीडीए अपने अंडर में लेकर आवासीय योजना शुरू करने जा रहा था, उस जमीन पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने एक नया दावा करके राजनीतिक बहस छेड़ दी है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिस जमीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन करके गए हैं, उस जमीन का केस हाई कोर्ट में चल रहा है। उस जमीन पर 50 गरीब परिवार रहते थे जिनको उजाड़ा गया है। लड़ाई लड़ेंगे, ये तो आप लोग को बता ही दिया गया है कि ये हाई कोर्ट में पेंडिंग है सारी चीज़ें, और इसकी लड़ाई अगर हमको लड़ना पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और अभी तक तो रफातुल्ला और अच्छे के नाम रजिस्ट्री है, और इंशाल्लाह अब इसको रजिस्ट्री हम कराएंगे, खरीदेंगे, कोर्ट में जाएंगे। आप लोग जो कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी से भी कुछ कहेंगे क्या कि उनको कैसे गुमराह किया गया? नहीं, ये तो क्षेत्रीय विधायक ने गुमराह किया उनको, उनको प्रशासन बताया नहीं गया कि ये कोर्ट में इसका चल रहा है, ये रिलीज की हुई जमीन है और ये हाई कोर्ट में मामला इसका चल रहा है, उनको बताया ही नहीं गया। और छोटी सी जगह मिला के उनसे सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, उसके लिए लाकर उनको अतीक अहमद का नाम लेकर यहाँ पे। अतीक अहमद की पत्नी का कहना है कि सिद्धार्थनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री को गुमराह करके उनसे भूमि पूजन कराई है और हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। रही बात गरीबों को घर देने की, तो हम अपना पुश्तैनी घर गरीबों को देने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद का खत भी पढ़कर सुनाया। मौके पर मौजूद ही रहे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से कल लूकरगंज में एक विवादित जमीन पर गरीबों के आवास के लिए भूमि पूजन करवाया गया, जिसे ये प्रचार किया गया कि ये जमीन श्री अतीक अहमद के कब्जे से छुड़वाई गई है। आपको जानकारी देना है कि ये जमीन हम लोगों के करीबी श्री रफातुल्ला और अच्छे भाई की जमीन थी, और उन लोगों के हक में जिसकी बाकायदा रजिस्ट्री है, लेकिन इस बंगले का इस्तेमाल मेरे पति करते थे, खासतौर से चुनाव में चुनाव सामग्री रखने और कार्यकर्ताओं के रुकने के लिए इस बंगले का इस्तेमाल किया जाता था। क्षेत्रीय विधायक ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करके एक विवादित जगह का भूमि पूजन करवा दिया गया। उक्त बंगला अदालत से रिलीज किया गया है और इस बंगले का विवाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें सरकार बाकायदा पार्टी है। प्रशासन ने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से छिपाया और चुनावी स्टंट के लिए ये नाटक किया। क्षेत्रीय विधायक जी को अगर गरीबों को आवास देने का शौक है तो हम उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन देते हैं, वो आएँ और उस पर गरीबों को आवास बनवा कर दें। हम लोग तो गरीबों को बसाए हुए थे, हमारे ऑफिस के सामने जो हम लोगों की पुरानी बिल्डिंग तोड़ी गई उसमें 50 से अधिक गरीब परिवार मुफ्त में रहते थे, जिन्हें उजाड़ दिया गया। हमारा अपना मकान ना गिरा होता तो हम सबको यही बसाते, क्षेत्रीय विधायक तो किसी को नहीं बसा पाएंगे, लेकिन श्री अतीक अहमद के जेल से निकलने के बाद सबको बसाया जाएगा। दरअसल बीजेपी के विधायकों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय विधायक की हालत खस्ता है, सबकी जमानत भी बचने की उम्मीद नहीं, पिछली बार वो कैसे जीते थे ये वो भी जानते हैं। अपनी खस्ता हालत को सुधारने के लिए और ये दिखाने के लिए कि उन्होंने श्री अतीक अहमद के बंगले पर बुलडोज़र चलवाकर उसमें गरीबों का आवास बनवाने की योजना बनाई है, उनका ये ख्वाब ही रहेगा, उनका ये चुनावी स्टंट कुछ काम नहीं आएगा। इस ज़मीन की लड़ाई को हम बहुत मजबूती से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। क्षेत्रीय विधायक जी तो गरीबों से उन्हीं का पैसा लेकर उन्हें मकान देने की बात कर रहे हैं, जबकि वो किसी को मकान तो क्या टीन शेड नहीं दिला पाएंगे, लेकिन हम अपने गरीब भाइयों को जिन्हें इस सरकार में अतीक अहमद के नाम पर उजाड़ा गया है उन्हें ज़रूर बसाएंगे, वो भी अपना पैसा खर्च करके। पत्रकारों से बात करने के लिए अतीक अहमद के परिवार ने सिविल लाइंस के मिलन पैलेस होटल को बुक कराया था, लेकिन कुछ ही देर बाद होटल मैनेजमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने को कहा, जिस पर अतीक अहमद की पत्नी और बेटे अली ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन ने
दबाव डालकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की चेतावनी दी है। इस दौरान अतीक अहमद की पत्नी ने होटल के बाहर पत्रकारों से बात की। हमारी बोलने की आजादी छीनी जा रही है। अभी यहाँ के अधिकारियों ने होटल के ओनर को फोन करके पर्सनली निजी तौर पर कॉल करके कहा है कि अगर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने दी तो आपके खिलाफ आधे घंटे में कार्रवाई होगी। अब आप मीडिया के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ चाहते हैं, प्रेस क्लब में हम लोग ये कर ले कि सड़क पर खड़े होकर कर ले, जहाँ पर आप कहिए अरे आप जहाँ खड़े हैं वही अपनी बात बताइए। आपने परमिशन लिया है, बुकिंग किया है आपने? परमिशन हमने ली, लेकिन यहाँ के अधिकारियों को कहना है इस होटल के ओनर से कि आप प्रेस नहीं करोगी और आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस समय जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो इस होटल के ओनर के ऊपर एक मुकदमा होगा जो कि साफ तौर से फर्जी है।